तो हेलो गाइस, आज की वीडियो के साथ हम वापस आ चुके हैं और आज हम कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम तो नहीं पर गेम प्ले माइनक्राफ्ट का। और ये मेरा पहला फेस स्कैम है, देख सकते हैं आप। और तो आज के फेस स्कैम की हम शुरुआत करते हैं। पहले प्यास लगी है थोड़ी, इधर जरा। हाँ तो आज के हम माइनक्राफ्ट की सीरीज से शुरुआत करते हैं। और आज मैंने थोड़ा अपग्रेड कर दिया अपना ये, जैसे कि जब मैं ऑफलाइन था तो मैंने इतने सारे फर्नेस बना लिए, आपको अभी पता चलेगा मैंने क्यों बनाया है। और मेरे को पता है आप लोगों को माइनिंग देखना पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ पे माइनिंग की थी। मैंने माइनिंग के निशान है मेरे, जब मैं ऊपर आया था तो मैंने लगा दिए थे। और माइनिंग से मैं बहुत सारे कोबल स्टोन लेके आया था और बहुत सारा कोल लेके आया था, तो मैंने कोबल स्टोन को स्मेल कर दिया और उसका काम अभी आप जानेंगे। तो मैं एक दो स्टैक से ज्यादा लेके आया था और मैं थोड़ा सा गोल्ड भी लेके आया था। तो एक स्टैक तो बस आपको इसमें कोबलस्टोन को स्मेल करना पड़ता है, फिर आपके ऐसे स्टोन से बन जाएंगे। अब आपको क्राफ्टिंग टेबल के पास जाना है और आपको ये करना है, ठीक है, जिससे आपके ऐसे वाले स्टोन बन जाएंगे, देख रहे हो। तो अब जब आपके ऐसे वाले स्टोन बन जाएंगे, एक बार पहले मैं बना लूं, तो ये हम बना लेते हैं बहुत सारे तबाहीदार पत्थर। तो एक स्टैक बन गया हमारा, दो स्टैक बन गए हमारे, तीन स्टैक बन गए हमारे, चार स्टैक, चार स्टैक तो हाँ। तो मैं ये इसलिए पत्थर लेके आया था क्योंकि मैं एक कैसल बिल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि आप तो जानते हैं ये मेरा टेम्परेरी घर था और इसमें कुछ है भी नहीं खास। और यहाँ पे नीचे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मैंने तो पिछली बार मैं आयरन लेके आया था तो उसको मैंने स्मेल्ट करके ये बना लिया था, और मैंने उस आयरन को पूरा वेस्ट कर दिया था। फिर मैं वापस गया था माइनिंग के लिए, तो मैं 14 आयरन और लेके आया था। तो आप मैंने उस आयरन को वेस्ट किया था, आप सोच रहे होंगे कहाँ पे, तो मैं बता दूँ, मैंने उस आयरन को वेस्ट कर दिया था तीन तीन पिकैक्स बनाने में, क्योंकि तो आप तो जानते ही हैं पिकैक्स का कितना यूज होता है माइनिंग में। मैं तीन तीन ले गया था, तब मैं जाके इतने कोबलस्टोन ले पाया हूँ, इतने सारे स्टैक्स। और अभी हम एक और पिकैक्स बना लेते हैं, कम आई, एक और पिकैक्स बना लेते हैं, रुको, बना ली। और एक शोवर तो है ही हमारे पास, तो अभी शायद मेरे को इतना ही बनाना चाहिए। और यहाँ से हम नीचे चलते हैं, तो ये पिकैक्स से काम है। वो एक्स बनानी थी हमको, एक्स, मैं तो पागल हूँ, मैं एक्स बनाने के लिए लेके आया था ये, और मैं वही भूल गया क्योंकि मैंने हर जगह वो लगा दिए थे ना, क्या बोलते हैं, लकड़ी, वो करने के लिए, तो साफ सफाई रखने के लिए, क्योंकि फिर मैं ऊपर आता फिर गड्ढे वड्ढे नहीं होने चाहिए इतने मेरे घर में। और यहाँ पे अभी भी एक क्रीपर पड़ा था मेरे मुंह पे, इसे चील के अंदर चलते हैं, इस लकड़ी को काट के। इसका साउंड बड़ा मस्त लगता है मेरे को। हाँ तो ये रहा हमारा ये, यहाँ पे हमने की थी फार्मिंग पिछले एपिसोड में। और यहाँ पे ही हम आए थे, तो मैंने यहाँ पे पानी भर जगह दिया है हर जगह, तो ओशन मैं वो लाना भूल गया। तो मैं बोल रहा हूँ मैंने यहाँ पे पानी भर दिया है, तो आप यहाँ पे आना आना जाना बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे उगाना बहुत ही इजी रहेगा मेरे लिए, तो जल्दी भी उग जाएंगे और मेरे को नाटक भी नहीं करना पड़ेगा, हर जगह उग जाएंगे। तो उसके लिए मेरे को थोड़े सीड्स लाने पड़ेंगे और हो लाना पड़ेगा, तो बस वो लेने चलते हैं अपना सीधा। तो वो तो मैं अभी यहाँ से बना लेता हूँ। और आपको एक बात बताऊँ, जब शोवल हो से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तब भी हो दो ये आयरन के लिए रहता है। आओ सिली, तो मैं अभी तक बहुत आयरन वेस्ट कर चुका हूँ, अब मैं नहीं करूँगा। तो हम थोड़ा सीड लेने जाते हैं क्योंकि तो बढ़िया से फार्मिंग करनी है ना। और आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी से यहाँ पे फार्मिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी फार्मिंग की एक जगह होगी। मेरा फार्म इतना बड़ा होगा कि बहुत एक्सटेंड तक होगा, तो ये मेरे विलेजर्स के लिए फार्म होगा एक, इससे उनको वगैरह मिले। ठीक है तोड़ रहा हूँ मैं, पत्ता ज्यादा टूट रहे हैं, सीड कम मिल रहा है। तो 60 सीड मिल चुके हैं हमको, 60 नहीं 7। अभी तो और तोड़ लेता हूँ, फूल चाहिए, फूल ले दो, 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 फूल ले
जो ये शोवल होते हैं ना, ये दर्द को ऐसे तोड़ते हैं जैसे मैं क्रिएटिव में तोड़ रहा हूँ, मुझे तोड़ रहा था। तो अभी हम यहाँ पे वो बना लेते हैं, रुको एक मिनट जरा, तो एक मिनट तो मैं भी अभी अपने भाई को शांत करवा के आ रहा हूँ, बहुत बोलता रहता है, अभी भी बोल रहा है वो, बहुत बोलता है वो, मेरे को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो रहेगा। तो अभी हम वापस आ चुके हैं, सब शोर मचाते रहते हैं, सबको शांत करते हैं अभी अभी। ओ हमको एक केव मिल चुकी है, जाएंगे अंदर, तो मरे नहीं तो जाऊँ। मैं मर नहीं जाता, तो दुनिया भर की गंदी आवाज आ रही है यहाँ से, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, यस बार वो, और हम भाग के आ चुके हैं तेज से गाइस, हाथ से तो नहीं आना चाहिए, यहाँ से सीट कम मिलता है, हाथ से मिलने से एकदम डर से। आवाज इतनी माइनक्राफ्ट की बड़ी खतरनाक होती है, बहुत सारे सीट निकाल लिए और रात भी हो चुकी है, तो मैं इनको इन सबसे डर लग रहा है, मेरा घर कहाँ गया मैं भूल चुका हूँ। और सीट निकाल लेते हैं, तो पता है लालच बुरी बला है, पर लालच के बिना हम ही बला है, कुछ भी बोलता हूँ ना मैं, तो जाते हैं, सॉरी 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 कुछ नहीं किया मैंने, मैं निर्दोष हूँ, सॉरी स्केलेटन, लव यू स्केलेटन, आई लव यू ज़ॉम्बीज, मेरे को मत मारो, सॉरी 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 मर चुका यस, हाँ तो मैं कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने क्रिएटिव से कुछ भी नहीं लिया, अगर आपको शक हो तो क्रिएटिव से सब जल रहे होंगे, जब तक ये जल रहे हम इनका फायदा उठा लेते हैं। तो कहाँ है और हम क्या करने वाले थे, इन्होंने ना हर जगह बिगाड़ के रख दिया, वो ना क्या यहाँ पे काला काला से क्यों हो गया, इन्हें हर जगह बिगाड़ दिया, मेरे घर के सामने इतने छेद कर दिए हैं कि मेरे घर को ही छेद लाल बना दिया है। और ये विलेजर पता नहीं मेरे इतने पास क्यों घूम रहे आजकल, टिप चाहिए तो ले लेना आके घर पे, ज़्यादा एमरल्ड नहीं है मेरे पास, एक्चुअली एक भी एमरल्ड नहीं है। अंदर तक तो आ चुके हैं हम, हमको और अंदर जाना मेरे को याद है, तो हम वो बना के लाए थे ना, यस हम वो बना के लाए थे, तो ये पूरी जगह तो हो सकता है, हो पाएगी या नहीं हो पाएगी,
गाइस मेरा वो है, मतलब ये मैं यहाँ पे एक विलेजर लाऊंगा, हाँ विलेज फार्मर, और उसको कर लूंगा यहाँ पे, मतलब वो यहाँ की खेती बाड़ी करेगा, और ये मेरी भी जगह होगी, उससे उसकी नहीं होगी, आप सोचते हो। ये लगते क्यों नहीं है सीड्स, ये स्पेसिफिक जगह पे लग रहे हैं गाइस, तो जहाँ पे मैं लगाऊंगा यहाँ पे लग जाएंगे। इसका फंडा है क्या, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये एक स्पेसिफिक जगह पे क्यों लग रहा है। अगर आपको आपको लोगों को कुछ पता है तो जरूर बताइए कमेंट्स में। गाने करो टुंडा टुंडा डोका डोका। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो अभी हम एक चीज करने वाले हैं, और वो है कि कैसल की प्रिपरेशन करना। तो कैसल की प्रिपरेशन करने के लिए हमको जाना पड़ेगा माइनिंग करने पर। अभी हम माइनिंग करने आप लोगों के सामने नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपको लगेगा कितना बोरिंग काम कर रहा है। तो आज हम जाने वाले हैं उस पा, हमारा आज का टारगेट कुछ मस्त रखते हैं। तो आज हम थोड़ी एडवांसमेंट पूरी करेंगे, तो एडवांसमेंट पहले कुछ करते हैं। तो पहले हम हस्बेंड्री की करते हैं। तो पहली है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। तो ये नहीं, प्रो में टाइटन में नहीं, फिर मॉन्स्टर में नहीं, किसी का रोमांस करूँगी। तो वापस आ चुके हैं हम इसके साथ। तो मैं अभी कुछ गया था कहीं कुछ काम करने, तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। नॉट टुडे, मैं ये नॉट टुडे कर सकता हूँ 1 मिनट, और देखते हैं क्या अच्छा सा स्नाइवर ड्यूर नहीं कर सकता मैं अभी, मैं इतना ट्रेन नहीं हूँ। डिस्कवर एवरी बायोम, मैं तो बोलूँगा बैलेंस राइट नहीं। ब्रीड टू एनिमल्स, मैं ये ब्रीड टू एनिमल्स भी कर सकता हूँ। तो आज हम ये दो एडवांसमेंट पूरी करने वाले हैं, एक तो है डिफेंड और नॉट टुडे वाली, और एक है ब्रीड टू एनिमल्स। तो फिर ये दोनों करते हैं, क्योंकि हमको माइनक्राफ्ट को खत्म करने के लिए सबसे पहले करना पड़ता है एडवांसमेंट पूरी, फिर एंडर ड्रैगन को हराना, फिर विदर को हराना, और फिर ऐसे ऐसे माइनक्राफ्ट कभी खत्म ही नहीं होते एक्चुअली। तो मैं यहाँ से थोड़े ये वीट कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ी वेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने लिए बना लेता हूँ, और ऐसे बनता है ऐसे। शील कैसे बनती है ना, एक दो तीन चार पाँच छः, छः चाहिए होते हैं मेरे पास, पाँच। अरे मेरे पास बहुत है बेटे लोग, जानते ही क्या हो मेरे बारे में। एक ही चाहिए होगा 300, तो इससे एक प्लैंक बना लेते हैं। प्लैंक 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 प्लैंक, हाँ ये चार प्लैंक बना लिए। अब अवाई शील्ड, परमानेंट शील्ड, शील्ड, और शील्ड का है। तो अभी शील्ड हमारे हाथों में है, तो साथ में कर लेता हूँ। तो हमको अभी रात का वेट करना पड़ेगा, और मैं दूसरे एडवांसमेंट पूरी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन विलेजर्स को मेरा काम इजी कर दिया है, इनने पहले से ही फिक्स पाया हुआ है। खाओ खाते, खा भी नहीं रहा है, पीवीटी खाता है या कुछ और खाता है, कोई लगता है वीट खाता है। तो वीट कौन खाता है, वीट खाने वाले प्राणी, वीट खाने वाले प्राणी ढूंढने पड़ेंगे। अरे यार मेरे पास वीट है, अगर शायद एक कैरेट खाता है ना, अगर मेरे को कैरेट ढूंढनी पड़ेगी फिर उसके लिए। और ये एरिया बहुत ही अजीब लग रहा है, तो अभी मैं कोई देखता हूँ कि वहां पे ये क्या दे रहा है। ये नहीं एक्चुअली वो उस पेपर में एमरल्ड दे रहा हूँ। तो हम, मैं अपना कैसल आपके सामने तो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि फिर वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और आप उसे कर नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे पूरा। तो और हमको एक एडवांस मिल चुकी है पैरेट का, पैरेट्स
एंड द बैट्स, द पैरट्स एंड द बैट्स, वॉट एवर यू कॉल्ड. ओह कितने बच्चे हैं, आजा आजा. अरे हाँ आजा, तो हमारी बहनों को भी लेके आते हैं. आजा 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 आजा, सब आजा, सब सबको मिलेगा, सबको मिलेगा. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आते रहो आते रहो. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड डे ऑफ माय रिकॉर्डिंग. और आज पता है क्या हुआ, मैंने कल पूरे दिन माइनिंग की और इतने कोबलस्टोन निकाले कि मेरा पूरा ये स्टैक ऐसे ऐसे पूरा भर गया था. और फिर उससे मैंने बनाया ये प्लेटफॉर्म. तो ये हमारा कैसल का प्लेटफॉर्म है, और जिससे आपको यकीन हो कि मैंने माइनिंग करके निकाला. मैं सच में मैं इस वर्ल्ड में चीट्स यूज ही नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने पूरा माइनिंग करके निकाला. जैसे कि आप नीचे जाकर देख सकते हैं, तो मैंने खोला तो मैं कैसे दिखाऊँ. मैंने वहां तक माइनिंग की, फिर मैं आगे गया, फिर मैंने कुछ सैंड और उससे TNT बनाए, फिर वहां पर फोड़े, फिर मैं वहां पे भी माइनिंग की, और फिर बहुत सारी जगह माइनिंग करके इतनी मुश्किल से अपना ये फाउंडेशन बना पाया हूँ. तो इस पे हम नेक्स्ट एपिसोड में, एक्चुअली मैं एक एपिसोड में मैं थका तो आप बिल्कुल नहीं है क्योंकि मेरा सेकेंड है, पर अभी हम नेक्स्ट एपिसोड से वो स्टार्ट करने वाले हैं अपना मेन कैसल बनाना. तो आज हमने मेरे कैसल की फाउंडेशन बनाई है, और मैंने अपना वो पुराना घर से मैं सीधा यहाँ पे शिफ्ट करने वाला हूँ, तो एक कैसल बनाने के बाद. तो अब ये सीरीज और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो आप प्लीज 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 इसे मिस मत कीजिएगा. अभी जाइए और नीचे वाला सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और फिर लाइक दबाइएगा. तो इसी के साथ मेरे को लगता है हमको अपना वीडियो एंड कर लेना चाहिए, और आपको प्रूफ देने के लिए कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की है तरीके से, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे आयरन भी एकदम खत्म हो गए. मैंने 10 पिकैक्स यूज कर ली थी, अभी बस 2 बाकी है. और जो मेरे वहां से हुआ था, और वहां पे मैंने थोड़ा माइनिंग की थी और ऐसा सब हुआ था, तो उससे मैं बहुत पिकैक्स छोटी, और मेरे को वहां से आयरन भी मिला. तो माइन में आपको कल दिखाऊंगा मैंने जहाँ से माइनिंग की थी. तो मेरे को लगता है गाइज आज के एपिसोड के लिए इतना ही. अगर आपको मोर एपिसोड देखने हमारे, तो यहाँ पे मैं वो डाल दूंगा, उससे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा हमारे वीडियो के नीचे. और डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दूंगा वो मैं अपने डिस्कॉर्ड की देने वाला हूँ, तो उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा. तो मेरे को लगता है आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा. और ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पे दर्द के लगा, तो बाय बाय.